गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ ग्रीक फैशन। ये टॉपिक आपका आता है इंटरनेशनल कॉस्ट्यूम्स में। आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि हमारे भारत की परंपरा क्या रही है, हमारे पारंपरिक वस्त्र क्या रहे हैं पूरे भारत देश के, और इतिहास क्या रहा है हमारे कॉस्ट्यूम्स का, हमारे जो कॉस्ट्यूम्स यानी परिधान, हमारे जो वस्त्र रहे हैं उनका अभी तक मोहनजोदड़ो की खड़प्पा और आर्यन युग में, और फिर मुग़ल आए, फिर अंग्रेज़ आए, तो हमारे पारंपरिक पोशाकों में बदलाव आया। ये हमारे भारतीय पोशाकों का इतिहास था। और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे हमारी विश्व में अलग अलग संस्कृतियाँ रही हैं जो शायद भारत की संस्कृति से भी पहले पनप गई थी, और उनमें से एक उदाहरण है ग्रीस। ग्रीस जिसको हम इंग्लिश में ग्रीक कहते हैं, ग्रीस का ग्रीस की परंपरा फ्रांस, यूरोप, उस आदि से भी पहले पनप गई थी। और यहाँ पर जितनी भी पोशाकें थी इन्हीं को भारत की अलग अलग जगह पे या दूसरे देशों में अलग अलग जगह पे इनको आगे फॉलो किया गया, और इन्हीं पोशाकों को कहते हैं कि जो ग्रीक गॉडेस और गॉड, यानी कि ग्रीक भगवान जो थे, वो सबसे पहले पाए गए थे, और वो सबसे ज़्यादा पुरानी परंपरा में, मतलब पुरानी परंपरा रही है। सबसे पहले हम जब बात करते हैं तो उस ज़माने में ना सिलाई थी, ना मशीन थी, ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि औद्योगिकरण हुआ था, और जो भी पोशाकें पहनी गई थी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ग्रीस में भी गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और इसीलिए वहाँ की पोशाकें ज़्यादातर हाथ से बुनी हुई होती थी और चटक रंगों का प्रयोग होता था। ग्रीक की पोशाकें अक्सर उनके भगवान, उनके जो गॉड यानी कि उनके जो भगवान और जो गॉडेसेस यानी कि जो महिलाएं होती थी भगवान के रूप में, उनकी उनकी पोशाकों को वो किया जाता था, फॉलो करते थे, वो लोग उन्हीं को मानते थे। और जो पुरुष होते थे और महिलाएं होती थी, अक्सर जो वस्त्र हैं वो हाथ के बुने हुए, घर में बने हुए, और उनको पिनअप करने से ही, पिनअप करके अलग अलग शेप्स देते थे। पेप्लॉस और चिटॉन, ये दो ऐसे बेसिक सी पोशाकें हैं जिनको, पेप्लॉस ऐसा पोशाक है जो महिलाओं द्वारा पहनी जाती थी, और चिटॉन एक सिंपल ट्यूनिक। मैं आपको अभी आगे के चित्रों में भी दिखाऊंगी कि कैसे ये चित्र, कैसे ये पोशाकें बाद में सिलाई के बाद आज भी हम गाउन या ट्यूनिक्स या फ्रॉक्स के रूप में पहनते हैं। लेकिन चिटॉन एक बेसिक सी ट्यूनिक हुआ करती थी जो लिनन के वस्त्र, आपको अगर ध्यान हो तो फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कॉटन के बाद बना लिनन, जो कि फ्लैक्स पौधे से पाया जाता है, और तने जो पेड़ का जो तना होता है उसमें से लंबे लंबे रेशे निकाले जाते हैं। चिटॉन को अक्सर हर कोई पहनता था, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, और चाहे बड़ा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो, और सभी लोग साथ में सैंडल, नीचे उनकी लेदर की सैंडल्स और ऊनी, मतलब ऊन और चमड़ा उस समय आ चुका था ग्रीस में, स्लीपर्स पहने जाते थे, जूते जो नरम नरम जूते या बूट्स होते थे, और घर के बाहर जब निकलते थे तो वो जूते पहन के जाते थे, और घर के अंदर रहते थे तो वे नंगे पैर रहते थे। और अक्सर ये कमर इस ढीली सी ट्यूनिक, यानी ये ढीला सा जो झबला दिख रहा है आप इस चित्र में भी देख रहे हैं, अक्सर इसको बांधने के लिए इनके पास एक बीच में बेल्ट होती थी। ये देखिए आज की पोशाक बेसिकली चिटॉन का ही रूप है, क्योंकि पारंपरिक रूप से चिटॉन अगर आप देखेंगे तो ये देखिए उस ज़माने में ऐसी हुआ करती थी, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि उस समय सिलाई का प्रयोग नहीं होता था, तो जो ट्यूनिक्स होते थे वो ऐसे होते थे जिनको किसी लेस द्वारा या किसी रिबन द्वारा या कंधे पर टिकाने के लिए उनको ऊपर की तरफ बांध दिया जाता था, और कमर पे बांधने के लिए उनका बेल्ट का प्रयोग किया जाता था या रस्सियों का। ये देखिए अलग अलग रूप,
तो ये एक तरफ से लपेट कर आता था और एक तरफ से आकर कमरे कंधे के ऊपर लिपटता हुआ पीछे के कंधे पर आकर कमर पे बांध दिया जाता था। ये था चिटॉन। और अब है पेप्लस। पेप्लस को हम कह सकते हैं कि ऊनी कपड़ा होता था और ये भारी होता था। ये वजन में भारी होने की वजह से इसको दोनों कंधों पे टिकाया जाता था और दोनों कंधों पे ऊपर की तरफ कंधों में पिन्स का, इस समय ब्रोचेस भी आ गए थे, ब्रोचेस और पिन्स के द्वारा इनको कंधों पे टिकाकर और ये नीचे की तरफ से ढीले लटकते रहते थे और बीच में टाई करने के लिए इनको ये कई बार जो पुरुष पहनते थे जो या बालक होते थे या पुरुष पहनते थे उनकी लंबाई रहती थी घुटने तक, या और जो महिलाएं होती थी उनकी जो ये पेप्लॉस है इसकी लंबाई होती थी एंकल तक यानी टखने तक। अब देखिए ये आपको मैं एक क्लोज लुक दिखा रही हूँ कि पेप्लॉस पहनने का तरीका कैसा था। दोनों कंधों पे आप अगर ध्यान से देखेंगे इस चित्र को तो एक साधारण सा कपड़ा है जिसको लपेटकर और दोनों कंधों पर आगे और पीछे से क्लिप के द्वारा टांगा हुआ है और हाथ इसमें दोनों फ्री हैं ताकि वे आराम से खेती कर सकें या अपने घर के काम कर सकें, इनके इनको रुकावट ना बनेंगे। और इसी वजह से ये पेप्लॉस ढीला ढाला होता था और इसको अक्सर बीच में टाइट करने के लिए कमर पे बेल्ट द्वारा या डोरी द्वारा बांध दिया जाता था। जो चिटॉन है वो अक्सर पतले झीने कपड़ों का होता था यानी लिनन का, गर्मियों में पहने जाने वाला, और पेप्लॉस जो है ये अक्सर सर्दियों में पहना जाता था। एक और वस्त्र था जो पेप्लॉस और चिटॉन के ऊपर पहना जाता था, वो जैसे आज हम जिसको आज के रूप में हम कहते हैं शॉल, ये शॉल नुमा होता था और हिमेजियन को ग्रीस के वस्त्रों में सबसे इम्पोर्टेंट वस्त्र कहा जाता है क्योंकि ये ऊपरी हिस्सा होता था। जब भी कभी पुरुष या महिला घर से बाहर निकलते थे तो ये आज भी अगर आप इस चित्र में ध्यान से देखें इस तरह से शॉल हम भी डाल के निकलते हैं। इसमें ये रेक्टेंगुलर पीस है, ऊनी होता था, सर्दियों में बांधते थे और अक्सर और अगर आप इसके पहले चित्र में देखें तो ये हाथ के नीचे उल्टे हाथ से जाता था और कंधे पे लपेटने के बाद ये जो उल्टा हाथ है उल्टे कंधे से, आज हमारे उल्टे पल्ले की साड़ी होती है आज के ज़माने में, ठीक उसी तरह से ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आकर उल्टे हाथ में हाथों के ऊपर लटक गया है और सीधा हाथ काम करने के लिए फ्री है। अक्सर अगर इसे हाथ को दूसरे हाथ को भी फ्री करना है तो इसी वस्त्र को दोनों तरफ से क्लिप द्वारा कंधे पर टिका दिया जाता था। यह भारी कपड़ा होता था वजन में और ऊपर की तरफ हल्का, अंदर से तो चिटॉन पहन लिया जो हल्का उसमें, और ठंड लगने के टाइम या घर से बाहर निकलने के टाइम हिमेचियन को ऊपर पहन लिया जाता था। ये देखिए पुरुषों के वस्त्र पेप्लॉस और अलग से जो ये मूर्तियाँ मिलती हैं कहीं भी, चाहे मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा हो या ग्रीस हो, कहीं भी अगर आप देखेंगे विश्व में तो हमें अपनी पौराणिक कथाओं के बारे में या हमारे पारंपरिक वस्त्रों के बारे में पता किससे चलता है, उनमें खुदाई के द्वारा निकली हुई मूर्तियों में। तो ये दोनों चित्र जो आप लेफ्ट और राइट में देख रहे हैं ये तो महिला और पुरुष के चित्र हैं ही, और लेकिन इन दोनों का जो पहनावा है आप देख सकते हैं बीच में किससे मिलता जुलता है, जो ये मूर्ति खुदाई के सामने निकली है जिसकी गर्दन कटी हुई है लेकिन नीचे ऊपर और नीचे के वस्त्रों से ये नीचे की जो है उसमें ये पता चल रहा है कि कमर पे कैसे डोरी बांधी जाती थी और कैसे इसको कंधे पे टिकाया जाता था। इसके बाद आता है आप देखेंगे पुरुषों के वस्त्र। देखिए अगर हम नाम देखें अलग अलग तो पुरुषों के वस्त्र में चिटॉन तो है ही, मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये जो कमर पे बांध दिया जाता था और लंबा होता था टखने तक इसे स्टोला भी बोलते थे, और जो ये शॉल होती थी इसे कैलमिस भी कहते थे, जो आज भी हम इस तरह की शॉल डालते हैं, और इसको एक और नाम दिया जाता था अलग तरीके से डालने पे पल्ला, ये आज भी इसी तरह से शॉल डाली जाती है। और ये उस ज़माने में आप देखिए ग्रीस, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के पहनावे का जो आविष्कार था वो ग्रीस में हुआ था।
ये देखिए स्टोला, ये खुदाई में निकली हुई मूर्ति है जिससे ये पता चलता है कि पुरुष और महिला ने किस तरह के वस्त्र पहने हुए हैं। कंपैरिजन कर लेते हैं हम। अब आपको अंतर क्या मत समझ में आ रहा है महिला के पर कपड़े और वस्त्र के कपड़ों में, मैं आपको अभी बता के चुकी हूँ, लेकिन अब आप कंपेयर कीजिए इन दोनों। चित्र में बहुत अच्छे से कंपैरिजन दिख रहा है। पुरुष के वस्त्र कहाँ तक होते थे, ये जो पेप्लॉस या चिटॉन जो ये लोग पहनते थे ये कहाँ तक होते थे, घुटने तक, और महिला के कहाँ तक होते थे, टखने तक। ऊनी, ठंड पड़ने पर ऊनी क्लॉक्स यानी कि जिनको बोलते हैं ऊनी शॉल की तरह से, जो मैं आपको बता रही थी कि मैचियन भी कहते हैं या क्लॉक्स भी कहते हैं जिनको इंग्लिश में, ये पहने जाते थे लंबे लंबे भारी भरकम पुरुषों के द्वारा। और महिलाएं क्या करती थी, पेप्लॉस और अंडरगार्मेंट्स पहनती थी, क्योंकि जो कपड़े होते थे ये जो चिटॉन है बहुत ही जीना कपड़ा, मैंने आपको शुरू में बताया स्लाइड में, पतला कपड़ा होता था, जीना होता था, और इसी वजह से ट्रांसपेरेंट रहता था, इसलिए ये महिलाएं स्टॉर्फियन नाम का अंडरगार्मेंट भी यानी जो भी पहनने वाले अंग वस्त्र हैं उनका इस्तेमाल करती थी। पुरुष ज़्यादातर मतलब सोल्जर्स यानी कि सैनिक हुआ करते थे, इसी वजह से ये अपने कंधे के एक कंधा जो सीधा कंधा है उसको ठीक फ्री रखते थे और सीधा हाथ फ्री रखते थे, और उल्टे हाथ के ऊपर उल्टे कंधे से लेके उल्टे हाथ पर ही शॉल लिपट कर वापस आ जाती थी। चिटॉन जिसे कैलमिस भी कहते हैं पुरुषों की वस्त्रों में, ये अक्सर इसके ऊपर एक हिमैटियन पहना जाता था जो महिला और पुरुषों द्वारा सर्दियों में अपने आप को ठंड से बचाने के रूप में एक शॉल होता था। महिलाएं भी अपनी चुन्नी के ऊपर शॉल नुमा वस्त्र पहनती थी जो ऊनी होता था, और भारी वस्त्र का ऊनी होने की वजह से और हाथ का बुना होता था तो नेचुरली वजन में क्या होता था, भारी। अब हम बात करें महिलाओं की जो हेयर स्टाइल्स है जो ग्रीस में फॉलो की जाती थी, क्योंकि कोई भी पारंपरिक पोशाक हो चाहे आज की पोशाक हो वह इनकम्प्लीट है बिना अलंकरण की। अलंकरण यानी बालों में क्या लगाते थे, चोटी बनाते थे, खुला बाल रखते थे या बालों को ऊपर बांधते थे, या बालों के, अगर आपने हिंदुस्तान की भी, अगर हमारे भारतवर्ष की भी पारंपरिक पोशाकें मैंने आपको पढ़ाई है तो आपने देखा कहीं पगड़ी पहनते हैं, कहीं साफा बांधते हैं, कहीं पे वो अगर हमने भारतीय इतिहास पढ़ा है तो आपने भारतीय इतिहास में देखा था कि उस जमाने में न चोटी बांध, पुरुष या महिला दोनों अपने बालों को जुड़े नुमा बांधते थे, तब हेयर कटिंग का फैशन नहीं आया था और पुरुषों के चेहरे पे दाढ़ी हुआ करती थी और महिलाएं अपने बालों को सुंदर सुंदर चोटियों में और गूंथ कर और चाहे बड़े वेणी लगाते थे या फूलों का गजरा लगाते थे या डोरियों या रिबन से बांधते थे, ठीक ऐसा ही एंशियंट यानी ग्रीस के पुरातत्व उसमें हमें मिलता है मूर्तियों में, कि वहाँ की महिलाएं बालों में बालों को बांधती थी, पुरुष यूजुअली बालों को काट के रखते थे, छोटा रखते थे, पुरुषों के बाल आप कभी भी लंबे नहीं देखेंगे वहाँ पे भी, और दाढ़ी बना के रखते थे, दाढ़ी उनकी हमेशा रहती थी। और हेलेनिस्टिक एरा में यानी जो उनके भगवान हैं उनका जो सदी कहलाती है उसमें धीरे धीरे जो उनकी जो दाढ़ी थी वो आउट ऑफ फैशन हुई, बाल लंबे रखने लग गए, महिलाएँ शुरू से ही बालों को लंबा रखती थी और उन्हें अपने बालों को यूजुअली सुंदर सुंदर चोटियों में और बांध के रखती थी। धीरे धीरे उन्हें उनके बाल, क्योंकि उनके उनके जो जीन्स हैं उसमें ही ऐसा होता है कि उनके बाल ज़्यादातर घुंघराले होते हैं। अगर आप आज भी ग्रीस में सफ़र कभी देखें या टीवी पे देखें तो आपको पता चलेगा उनके बाल हमेशा घुंघराले रहते हैं, ये उनको मिला हुआ है, तो उनके बालों के घुंघराले होने की वजह से वे चोटी बांध के रखती थी और बालों को बन यानी कि जैसे पूरा जुड़ा अपन हिंदू अपने भारत में भी देखते हैं तो पुरानी हीरोइंस एक पफ सा बना के रखती थी बालों में पीछे की तरफ, एग्जैक्टली वैसे ही वो भी बना के रखती थी। और धीरे धीरे महिलाएं अपने उसमें बालों में आप ये देखिए चोटी बनी हुई है, जूड़ा बना हुआ है और बालों में ये सुंदर सी पिंस या ब्रोचेस, क्योंकि ग्रीस की पोशाकों की जब भी आप बात करेंगे तो ब्रोच या सुंदर सुंदर बालों में लगाई जाने वाली पिन या कपड़ों में भी ब्रोचेस का फैशन बहुत ज़्यादा था। सुंदर सुंदर कड़े पहनते थे ये लोग, गले में नेकलेस पहनते थे, कानों में ईयरिंग्स पहनते थे, पिन्स, पेंडेंट्स,
आर्म बैंड यानी जो बाजूबंद जिनको कहते हैं, पैरों में पहने जाने वाले, जो आज भी हमारे हिंदुस्तान में बीते पैरों में पहने जाने वाले कड़े, ब्रेसलेट्स, अंगूठियाँ, और उसके अलावा बालों में पहने जाने वाली विभिन्न प्रकार की अलंकरण, बहुत सुंदर सुंदर हेयर पिंस, सुंदर सुंदर जूड़े की पिंस, जो आज हमारे पास हमारे आज भी उनका फैशन हमें देखने को मिलता है, ये अक्सर पुरुष और महिलाओं द्वारा पहने जाते थे। ये देखिए जो हमें खुदाई में मिला है, और इस तरह का आप देखेंगे पुरुष और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले सुंदर सुंदर अलंकरण। ये कड़े दिख रहे हैं, अंगूठी दिख रही है, गले में पहने जाने वाला नेकलेस दिख रहा है, ये सब खुदाई में मिलते हैं। अब बात आती है कॉस्मेटिक्स। यूजुअली काजल का भी उपयोग करते थे, उसके बाद लाल रंग का यूजुअली जो ओकरे कहते हैं यानी कि पाउडर होता है जो खुदाई में मिलता है, जो खनिज रूप से मिलता है, उसको वो लिपस्टिक की तरह करते थे। मेहंदी को बालों में या हाथों में लगाने में काम में लेते थे। अलग अलग तरह के इत्र, ये आप जो ड्राइंग में देख आप ये जो चित्र देख रहे हैं इसमें देख रहे हैं, खुदाई में मिली हुई ये चीज़ें हैं जिनमें ये पता चलता है कि ये अलग अलग तरह के इत्र भी यूज़ करते थे। और अगर उस समय में भी महिला का रंग गोरा होता था तो वह स्टेटस सिंबल यानी बहुत अच्छा माना जाता था। महिलाएं उस जमाने में शहद का उपयोग करती थी बालों में, वे अपनी शरीर को त्वचा को सुंदर बनाने के लिए जैतून के तेल का इस्तेमाल करती थी। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ा, जैसे जैसे तो धीरे धीरे जैसे जैसे सदियां आगे बढ़ती गई और मॉडर्न ज़माना आता गया, महिलाओं ने आईब्रो बनाने का भी प्रचलन आया। तो ये था आपका ग्रीस की सभ्यता, जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए क्योंकि ये सबसे पुरानी सभ्यता है, इवन भारतवर्ष की सभ्यता से भी पुरानी और फ्रांस की सभ्यता से भी पुरानी। थैंक यू।